नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सियासत छिड़ी हुई है, उस बीच अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप लगाए हैं नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने। डॉक्टर गोविंद सिंह दिल्ली में थे शनिवार को और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा गया था मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पूरी सियासत चल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ट्रिपल टेस्ट जो सरकार ने सामने रखा था वो उससे पूरी तरीके से सहमत है, संतुष्ट है और ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाए, उसके बाद से ही लगातार सियासत चल रही है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को शून्य कर दिया था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव हुए हैं, कमोबेश वही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। लेकिन शिवराज सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की, रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दी थी। शिवराज सरकार की बड़ी जीत मानी गई। लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, हाल ही में वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको भी बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण के विरोध में है। पहले भी संघ के कई जो तमाम दूसरे लोग हैं, संघ प्रमुख भी हैं, उन्होंने बिहार चुनाव के दौरान देश में आरक्षण खत्म करने से जुड़ा हुआ एक बयान दिया था और शिवराज सिंह चौहान भी अब वही कर रहे हैं, वो संघ के एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं, ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 साल से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री 3 पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं बना सकी मध्य प्रदेश में। और उन्होंने ये भी कहा कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जो जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने 14% आरक्षण दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 24% किया गया और फिर उसे 25% कर दिया गया। कमलनाथ सरकार बनी 2018 में, तो 2019 में ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब सरकार गिर जाती है तो मामला, क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहा था, तो हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से जो 27% आरक्षण था उसको पलट दिया। और हाल ही में क्योंकि आरक्षण भी समाप्त हो गया था, तो उससे काफी ज्यादा जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ, ये गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने। अब डॉक्टर गोविंद सिंह का यह कहना है कि भाजपा की सरकार जो है वो षड्यंत्र के तहत संघ के एजेंडे पे काम कर रही है, ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कम होने से मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे पंचायत के, उससे पिछड़े वर्ग का काफी नुकसान होगा, क्योंकि आबादी के लिहाज से पिछड़ों को उतना हक नहीं मिल पाएगा जो उनका हक बनता था, और इसके लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ही दोषी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है, निकाय चुनाव उसके बाद होंगे, माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के खींचतान जो है वो लगातार मची हुई है।